भारत सरकार जहां वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर अकलियतों में बेचैनी पैदा कर रही है, वहीं कर्नाटक के वक्फ मिनिस्टर जमीर अहमद खान लगातार जिलाई सतह पर वक्फ अदालत लगा रहे हैं और साथ ही बेटोक बोल रहे हैं कि कर्नाटक पहली ऐसी रियासत या पहला ऐसा स्टेट है जिसने वक्फ बिल को रिजेक्ट किया है। आपको बता दें, वजीर बराए अकलियती उमूर हाउसिंग वक्फ जमीर अहमद खान हुबली में धारवाड़ और कारवार जिले के लिए वक्फ अदालत लगाई और दूसरे ही दिन धारवाड़ में डिप्टी कमिश्नर और मुतालिका अफसरान के साथ मीटिंग कर वक्फ अदालत में आई हुई अर्जियों को तफसीली जायजा लिया। अगले ही दिन सुबह हावेरी पहुंचकर गदग जिला और हावेरी जिले के लिए अदालत वक्फ अदालत लगाई गई और दोपहर बाद जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर और महकमा अकलियती उमूर और दीगर महकमों के साथ मीटिंग की और इन पूरे अर्जियों के ताल्लुक से गौर खौस किया गया। लगातार वक्फ अदालत लगाई जा रही है। इससे पहले भी जमीर अहमद खान ने बीदर और बेलगाम वगैरह में वक्फ अदालत मुनक्कद कर चुके हैं। ये जितने भी प्रॉब्लम मस्ते या नहीं, और इंशाल्लाह
जो भी उनको हमारी इसका पैदा पोते देखो।